सर सर वो देखिए ऊपर। सर लगता है मरा पड़ा है। नहीं नाश्ता कर रहा है रोकड़े। क्यों मजाक कर रहे हैं सर? इडियट शट अप। जी अरे देख क्या रहे हो, स्ट्रेचर लाओ। चलो शाबाश जल्दी चलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर। हाँ ये तो वही गुल मोहम्मद है जो पिछले 6 महीने से जेल से फरार था। अच्छा अरे यही तो हमारी आखिरी उम्मीद थी तुम्हारे भाई तक पहुंचने की। ओह माय गॉड सर लाश की जेब से ये सामान निकला है। क्या आपका भाई यहाँ रहता था? लगता तो यही है, हम दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में। क्या हुआ गीता जी? कोई है जो मुझे कुछ कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, मुझे बुला रहा है। गीता गीता हेलो गीता, मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम मुझे ढूंढ ही निकालोगी मेरी फेवरेट किताब से। मैं इस पल शायद तुमसे बहुत दूर हूं, फिर भी हमेशा की तरह तुम मुझे बहुत करीब महसूस करोगी अपने दिल में। आज मैं तुझे एक आखिरी कहानी सुनाना चाहता हूं मेरी बहन। आप बीती मेरी अपनी कहानी जिसकी शुरुआत हुई एक गुल मोहम्मद से। ये गुल मोहम्मद NBI यानी कि नेशनल बैंक ऑफ इंडिया के श्रेडिंग सेक्शन में काम करता था। जो फटे पुराने नोट बाजार में और नहीं चलते उन्हें यहां लाकर पहले कतरा और फिर जला दिया जाता है और उसके बदले में NBI से नए नोट मार्केट में आ जाते हैं। एक दिन इस गुल मोहम्मद के हाथ में एक ऐसा नोट आया जो उसे कुछ अजीब लगा। उसने गौर से देखा तो पाया कि वो नोट असल में जाली था यानी कि नकली। उसने सारे बैग चेक किए, सारे के सारे बैग नकली नोटों से भरे हुए थे। गुल मोहम्मद के तो होश उड़ गए। वो घबराया हुआ अपने डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर पटेल के पास गया और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। लेकिन ये पटेल खुद इस जाली नोट रैकेट में शामिल था, उनका की प्लेयर।
उसने बड़ी चालाकी से गलत आरोप में गुल मोहम्मद को फंसा कर जेल भिजवा दिया। बेचारे गुल मोहम्मद ने अपनी बेगुनाही बतेरी चलाई, लेकिन उसके किसी ने सुनी नहीं। तब उसकी बेटी सादिया मेरे पास आई और उसने सारा किस्सा सुनाया। मैंने उसे प्रॉमिस किया, मैंने उसे वादा किया कि मैं इस केस की तह तक जाकर रहूंगा। कई दिनों की मेहनत के बाद मुझे ये पूरा रैकेट क्या है पता चला। करोड़ों रुपयों के जाली नोट छापे जाते हैं, फिर उन्हें मैला और फटा पुराना बनाया जाता है, और उनके बदले में एनबीआई से ताजे ताजे असली नोट ले लिए जाते हैं। मैं समझ गया कि इस दफे मैं आग से खेल रहा हूं और मेरी जान भी जा सकती है। बट सो व्हाट, बाय चांस अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम इस जंग को आगे बढ़ाओगी, तुम ये लड़ाई जारी रखोगी गीता। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बहन, याद रखना, ओके? और मेरी ये मुस्कान भी जो तुम्हें बहुत पसंद है ना, अगर तुम चाहती हो कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहूं, बस गीता जी बस, आप रोइए मत, अपने भाई की बात याद रखिए। 6 महीने हो गए भैया को गए हुए, मुझे अकेला छोड़ के, बिल्कुल अकेला। आप अकेली नहीं है गीता जी, मैं भी आपके साथ हूँ उस लड़ाई में जो आपके भाई ने शुरू की थी और अब आपको जारी रखनी है। कब तक साथ दोगे? आखिर तक, जब तक आप जीत नहीं जाती, मेरी एक एक सांस आपकी होगी गीता जी, मरते तब तक। इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सबूत पाना बहुत मुश्किल है राजू, अब तो सिर्फ तुम्हारी गवाही का सहारा है, उसी के जरिए हम इस केस को सॉल्व करेंगे और मेरे भाई तक पहुंच सकते हैं। गीता जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। किस बारे में राजू? हाँ, ये केस के बारे में गीता जी, मैंने कहा था ना मैंने खून होते हुए देखा है। हाँ बोलो राजू, कोई नई बात याद आ गई जो तुम बताना भूल गए? वो क्या कि मैं कैसे बताऊं? इतने परेशान क्यों हो रहे हो राजू, रिलैक्स, जो भी कहना है घर पहुंच के कह देना, और वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, थैंक यू सो मच राजू। ये थैंक यू क्या गीता जी, मैं तो वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। जी राजू घर पे है? हाँ अंदर आके बैठो, मैं उसे बुलाती हूँ। राजू तुम्हारा नाम वर्षा है? जी हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? ये सारी तस्वीरें तुम्हारी हैं? जी हाँ मेरी है, लेकिन देखिए आप प्लीज जल्दी से राजू को बुला दीजिए प्लीज। राजू तुम्हें कोई मिलने आया है। आ रहा हूँ मेम साहब। राजू मैं वर्षा हूँ, कुट्टी की दोस्त। राजू कुट्टी बहुत मुसीबत में है, वो थाने में बार बार तुम्हें याद कर रहा है, तुम प्लीज जल्दी से उसके पास पहुँचो, मैं वकील को लेकर आती हूँ। ओके से झूठ क्यों बोला तुमने? क्यों कहा कि वर्षा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और मर गई? बोलो जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं गीता जी, क्या बोलूं? जो भी कहूंगा सच होगा लेकिन फिर भी झूठ जैसा ही लगेगा। कल रात जब आपने टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए जिद की तो मैं घबरा गया, और टीवी से बचने के लिए न जाने मैंने क्या क्या झूठ बोल दिए। लेकिन क्यों, टीवी से क्यों बचना चाहते थे तुम, क्या वजह थी? वजह बहुत बड़ी थी गीता जी, अपनी बेवकूफी और पागलपन में एक और झूठ निकल गया मेरे मुंह से,
एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक झूठ। कौन सा खतरनाक झूठ? कि मैं खून का चश्मा जीत गवाह हूँ। सच तो यह कि मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कातिल के बारे में जो भी कहा था वो सब झूठ था, और ये सब कुछ किया मैंने अपने प्यार के लिए। लेकिन राजू तुम्हें पता है, तुम्हारे इसी प्यार ने मुझे लाखों दर्शकों की आंखों में झूठा बना दिया। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? कैसे बताऊंगी कि असलियत क्या है? तुमने तो मुझे उनकी नजरों में हमेशा के लिए गिरा दिया। पिछले 6 महीनों की मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी उम्मीदें, मेरे भाई की सारी तपस्या, सब कुछ तुम्हारे एक झूठ ने मिट्टी में मिला दिया। मैं ऐसे झूठे को कभी माफ नहीं कर सकती। तुम तो उन जाली नोटों से भी ज्यादा जाली निकले जो बाजार में चलते हैं।